वेलकम टू आवर YouTube चैनल। ये है 30 डेज 30 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया सीरीज। इस सीरीज की पहली सिटी है पटना, तो चलिए ले चलते हैं आपको पटना सिटी के सफर पर। पटना मगध के बिहार राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है और राज्य की राजधानी है। ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। ये शहर दुनिया के उन गिने चुने विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो प्राचीन काल से आज तक आबाद है। मेगस्थीन्स ने अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी अपनी बुक इंडिका में इस शहर का उल्लेख किया है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोधगया और पावापुरी पटना शहर के आसपास ही बसे हैं। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में ही हुआ था। हर साल देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरि मंदिर साहब के दर्शन करने आते हैं। ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के अतिरिक्त पटना शिक्षा, वाणिज्य और चिकित्सा का भी एक प्रमुख केंद्र है। इस शहर के नाम के पीछे की स्टोरी क्या आप जानते हैं? नहीं तो आइए वो भी जान लेते हैं। पटना नाम पटन देवी, जो एक हिंदू देवी हैं, उनके नाम से प्रचलित हुआ है। एक सोर्स के अकॉर्डिंग ये नाम संस्कृत के पतन से आया है, जिसका अर्थ बंदरगाह होता है। ये ऐतिहासिक नगर पिछली 2 सहस्त्राब्दी में कई नाम पा चुका है, जैसे पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना। ऐसा समझा जाता है कि वर्तमान नाम शेरशाह सूरी के नाम से प्रचलित हुआ। शेरशाह ने इसका नाम पैठना रखा, जिसे शेरशाह की मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया। नाम की कहानी तो हमने जान ली, पर पटना की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री अभी बाकी है। तो आइए खोलते हैं पटना के इतिहास के पन्ने। प्राचीन पटना, जिसे पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र भी कहते हैं, वो सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। पाटलीग्राम में गुलाब काफी मात्रा में उगाया जाता था। इन गुलाब के फूल से तरह तरह के इत्र, दवा आदि बनाकर उनका व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम पाटलीग्राम हो गया। लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया, इसी कारण इस नगर का नाम पाटलीग्राम पड़ा। पुरातात्विक अनुसंधानों के अकॉर्डिंग पटना का लिखित इतिहास 490 BC से होता है, जब हर्यक वंश के महान शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह या राजगीर से बदलकर यहां स्थापित की। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में यहां से गुजरे थे। उनकी ये भविष्यवाणी थी कि नगर का भविष्य उज्जवल होगा और बाढ़ या आग के कारण नगर को खतरा बना रहेगा। महान नंद शासकों के काल में शहर का और भी विकास हुआ और उनके बाद आए मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का केंद्र बन गया। मौर्य काल के आरंभ में पाटलिपुत्र के अधिकांश राजमहल लकड़ियों से बने थे, पर सम्राट अशोक ने नगर को शिलाओं की संरचना में तब्दील कर दिया। ज्ञान की खोज में कई चीनी यात्री यहां आए और उन्होंने भी यहां के बारे में अपने ट्रैवलॉग्स में बहुत कुछ लिखा। इसके बाद नगर पर गुप्त वंश सहित कई राजवंशों का राज रहा। इन राजाओं ने यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। वैसे आज तक गुप्त वंश के शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, पर लगातार होने वाले युद्ध और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद
इस नगर को वो गौरव नहीं मिल पाया जो एक समय मौर्य वंश या गुप्त वंश के समय प्राप्त हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफी अनिश्चित रहा। 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और कई आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर डाला। इस समय के बाद पटना देश का सांस्कृतिक और राजनैतिक केंद्र नहीं रहा। मुगल काल में दिल्ली के सत्ताधारियों ने अपना नियंत्रण यहां बनाए रखा। इस काल में सबसे उत्कृष्ट समय तब आया जब शेरशाह सूरी ने नगर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने गंगा के तीर पर एक किला बनाने की सोची। उसका बनाया कोई दुर्ग तो अभी नहीं है, पर अफगान शैली में बना एक मस्जिद अभी भी है। मुगल बादशाह अकबर की सेना 1574 एडी में अफगान सरगना दाऊद खान को कुचलने पटना आई। अकबर के राज्य सचिव एवं आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल ने इस जगह को कागज, पत्थर तथा शीशे का संपन्न औद्योगिक केंद्र के रूप में वर्णित किया है। पटना राइस के नाम से यूरोप में प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का उल्लेख भी इन विवरणों में मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर 1704 में शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही पटना बंगाल के नवाबों के शासनाधीन हो गया, जिन्होंने क्षेत्र पर भारी कर लगाया पर इसे वाणिज्यिक केंद्र बने रहने की छूट दी। 17th सेंचुरी में पटना अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने 1620 में रेशम तथा कैलियो के व्यापार के लिए यहां फैक्ट्री खोली। जल्द ही ये शहर सॉल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट के व्यापार का केंद्र बन गया, जिसके कारण फ्रेंच और डच लोगों से प्रतिस्पर्धा तेज हुई। बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद ये शहर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया और वाणिज्य का केंद्र बना रहा। 1912 एडी में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा तथा बिहार की राजधानी बना। जेएफ मुनिंग ने पटना के प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा भवन इत्यादि बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक राज्य बना दिया गया और पटना राज्य की राजधानी बना रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील की खेती के लिए 1917 में चंपारण आंदोलन तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना की भूमिका उल्लेखनीय रही है। आजादी के बाद पटना बिहार की राजधानी बना रहा। साल 2000 में झारखंड राज्य के अलग होने के बाद पटना बिहार की राजधानी बना रहा। ये थी हमारी सीरीज की पहली सिटी पटना। स्टे कनेक्टेड फॉर रिमेनिंग 29 सिटीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।